हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अगेन एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रही हूँ जो कि अभी जस्ट काफ़ी टाइम से मैं इन प्लांट्स को सर्च कर रही थी और फाइनली मुझे मिल गए हैं। तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी सारे लोग मिसगाइड करते हैं, वो मैं जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो छोटी छोटी मिर्चियाँ आने लगी हैं, बहुत टाइम के बाद आई हैं। गर्मियों में एक भी मिर्ची डेवलप नहीं हुई थी क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी, सारे जो मिर्ची के फूल आते थे वो गर्मी के कारण झड़ के गिर जाते थे। बट अब भी फाइनली छोटी छोटी मिर्चियाँ अपीयर होने लगी हैं। तो देखिए, मैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है, ये प्लांट है दालचीनी और ये प्लांट है तेज़पत्ता। दोनों का नाम सभी ने सुना होगा, दालचीनी और ये तेज़पत्ते के बारे में आपने, क्योंकि ये हमारे मसालों में एक ख़ास जगह रखता है। दोनों ही मसाले, सारे मसालों में जो अपने डालते हैं खड़े मसाले, उनमें एक ख़ास जगह रखते हैं। और दालचीनी के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। तो मैं काफ़ी टाइम से इनके प्लांट्स ढूंढ रही थी और अभी मैंने जो प्रिया नर्सरी का विज़िट किया था वहाँ मुझे दोनों ही प्लांट मिल गए। तो मैं इनका जो कन्फ्यूज़न है वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि देखिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा था थोड़े दिनों पहले कि जो तेज पत्ता जो होता है उसी के प्लांट से दालचीनी बनाई जाती है, क्योंकि दालचीनी जो होती है बेसिकली पौधे की खाल होती है, जो ऊपर का वार्क निकलता है, छाल निकलती है, उससे दालचीनी बनाया जाता है। और पत्तों का तो आपको पता ही है, तेज पत्ता के जो पत्ते होते हैं, वे लीफ जिसको हम बोलते हैं, ये अपने खड़े मसालों में काम आता है। जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ उसके मिलियंस में व्यूज़ थे, मिलियंस में फॉलोअर हैं, और वो बंदा बता रहा था कि जो तेज पत्ता होता है उसी के पौधे की जो बार्क निकलती है उससे दालचीनी बनाई जाती है। लेकिन दोनों ही प्लांट डिफरेंट डिफरेंट हैं। तेज पत्ता देखिए, आप इसकी पत्तियों का साइज़ देखिए, इसकी लीफ की चौड़ाई देखिए, शेप देखिए, सब बिल्कुल अलग है। और यहीं पर मैंने देखिए दालचीनी का पत्ता रखा, दालचीनी का पौधा रखा हुआ है। आप इसके प्लांट्स की लीफ देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है आप देख पा रहे होंगे अगर दोनों का क्लियर डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही प्लांट्स अलग अलग हैं। ये देखिए, प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मैं खुद पर्सनली लेकर आई हूँ और रिकमेंड भी करना चाहूँगी कि हर किसी को ये पौधे अपने घर में लगाने चाहिए, क्योंकि इनका जो है हमारे लिए खाने में यूज़ है। तो इनके तो देखिए पत्ते इजीली अपन सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही गरम मसाले में काम आते हैं। और ये बेसिकली जो प्लांट है, वैसे तो देखिए पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जो कि नॉर्थ इंडिया के भी थे, किसान जो है इनकी खेती कर रहे हैं, काफ़ी सारी जगहों के देखे थे। और दूसरा, ये बेसिकली जो प्लांट है वो दक्षिण भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इसके लिए फेवरेबल है। लेकिन फिर भी हम इसे हर जगह पर उगा सकते हैं, बस हमें इसके लायक थोड़ी सी कंडीशंस ऐसी देनी होंगी। एक तो देखिए, पानी बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी पसंद होता है, या बहुत ज़्यादा पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी पसंद होता है। तो पानी का, मिट्टी का, सबका अलग अलग रहता है। इस प्लांट की जो मैंने अभी तक देखा है, पढ़ा है, दोमट मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी इस टाइप की चाहिए जिसमें पानी होल्ड ना हो, मतलब ड्रेन, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। तो इसकी सॉइल आप बना लीजिएगा, 50-50% आप खाद ले लीजिएगा, 50% सॉइल गार्डन सॉइल, थोड़ा सा आप उसके अंदर कंपोस्ट यानी 30% कंपोस्ट मिलाएंगे, 20% पे आप बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक मैटर को कार्बनिक मैटर ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी ज़्यादातर हम पत्तियाँ यूज़ करते हैं या खाल यूज़, जो इसका बार्क होता है, छाल जो होती है उसको यूज़ करते हैं। तो हमें इनको वुशी बनाना है, खूब लीव्स, तेज पत्ते की तो आपको पता ही है पत्तियाँ ही यूज़ की जाती हैं, तो इनको हमें एकदम वुशी बनाना है। तो उस टाइप जो फर्टिलाइज़र अपन देंगे वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगी। अभी तो मैं इन प्लांट्स को लगा रही हूँ, वेल ड्रेन्ड सॉइल मैंने बना ली है जैसे और प्लांट्स की है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अलग अलग टाइप की सॉइल बना के, बस टेस्ट कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए, इस तरीके से ये एक छोटे से ग्रो बैग में आया था जिसकी चिकनी मिट्टी है बिल्कुल। तो इसकी सॉइल को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रूट्स जो हैं एक्सपोज हैं, और इसको मैं लगा दूँगी। इनको लगाने का तरीका देखिए, दालचीनी का तो होता है कि ये देखिए गूठी कलम जिसको बोलते हैं ना अपन, ग्राफ्टेड, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया है, तो ग्राफ्टेड है। ये कलम विधि से भी लगाया जाता है, बीज से भी लगाया जाता है। और बीज लगाने का सीज़न तो देखिए बेस्ट, अगर कहीं से मिल जाते हैं आपको तो बेस्ट सीज़न यही होता है, बारिश के टाइम पर हर कोई जो सीड होता है वो जर्मिनेट इजीली हो जाता है। तो ये दोनों प्लांट्स का मुझे अंतर दिखाना था, फ़ायदे क्या हैं वो आपको अलग से किसी वीडियो में बता दूंगी, लेकिन दोनों का अंतर मैंने आपको दिखा दिया है। आप देख पा रहे होंगे इसकी लीव्स एकदम लंबी हैं
और इसकी जो लीव्स हैं वो एकदम गोलाकार टाइप की हैं, दोनों की डिफरेंट हैं लीव्स बिल्कुल। टेस्ट में भी दोनों के देखिए डिफरेंस होता है और सॉइल टेक्सचर वगैरह सारा सेम रहता है दोनों के लिए, पानी की रिक्वायरमेंट सेम रहती है, ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। तो ये पौधे आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है तो, क्योंकि ये हमारे खाने में काम आने वाले हैं पौधे। और दोनों का अंतर बता दिया है क्योंकि नर्सरी वाले भी कई बार बेवकूफ़ बना के इसी को तेज पत्ता बना के दे देते हैं या इसी के लिए बोल देते हैं कि यही दालचीनी का पौधा है और इसी से दालचीनी बनती है। तो दोनों प्लांट्स का मैंने साथ रख के आपको अंतर बता दिया है, आप जब भी लाएँ थोड़ा सा अंतर देख के लाएँ। और वैसे तो दोनों ही प्लांट आप लगा लेंगे तो दोनों ही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, दोनों ही साथ में लगाइएगा। तो आई होप आपको इनका डिफरेंस पसंद समझ आ गया होगा और आप जब कभी नर्सरी से बाय करेंगे तो आप ये डिफरेंस देख के कर लीजिएगा। और देखिए इसमें सीड भी बन रहा है, अगर मैच्योर हो जाता है, देखिए एक बन रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। क्योंकि अभी तो मैं इनको लेकर आई हूँ दो दिन पहले और आज थोड़ी बारिश हुई है तो सोच रही हूँ इनको मतलब ट्रांसप्लांट कर दूँ पॉट के अंदर। मिट्टी मैंने बना ली है, पॉट तैयार है मेरा, तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ के कंडीशन में किस तरीके से मैं इसका केयर करूँगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। बैकग्राउंड से जो साउंड आती है उनको प्लीज़ इग्नोर करा करिए, यहाँ पूरे सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कहीं कुछ कुछ और कुछ ना कुछ पूरा दिन चलता रहता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन साउंड्स को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा एंड इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। एंड ये भी बता सकते हैं कि आगे मैं नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए फ्रूटफुल हों या सही रहें, तो ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए हैं तो बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।